गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने पढ़ेंगे फोर्थ लेसन रासायनिक बल गति की। तो देखो, रासायनिक बल गति की जो है ये भी एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें से भी अपने बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने बात करते हैं कि चैप्टर के अंदर अपनों ने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे अभिक्रिया का वेग। तो देखो, जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में अपनों ने कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। अभिक्रिया का वेग, फिर देखेंगे अपने अभिक्रिया की कोटि। थर्ड पॉइंट देखेंगे अपने अणुसंख्यता। फोर्थ पॉइंट देखेंगे अपने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे अपने टक्कर सिद्धांत। और सिक्स पॉइंट देखेंगे अपने आरेनियस समीकरण। ये अपने इतने पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब अपने स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक बल गति की जो है वो क्या होता है और उसके अंदर अपनों ने क्या क्या और किस किस तरीके से जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये मैंने एक कोई पात्र लिया, इसमें दो अभिकारक ए प्लस बी मिला दिए मैंने। कितने अभिकारक मिला दिए? दो अभिकारक ए प्लस बी मिला दिए। अब ये समीकरण जो है, मतलब ए और बी जो है वो उत्पाद में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, और अगर बदलेंगे तो कितनी मात्रा में बदलेंगे, इससे अपने को यहाँ पर आपके दिमाग में तीन टाइप के क्वेश्चन उठ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन होगा कि अभिक्रिया जो होगी वो किस मात्रा में होगी, मतलब अभिक्रिया ऐसे लिखते हैं अपने, अभिक्रिया की मात्रा क्या होगी। और थर्ड पॉइंट अपने देखते हैं कि अभिक्रिया जो हो रही है ए और बी वो किस वेग से होगी, मतलब किस वेग से होगी। ये जो तीनों पॉइंट हैं इनसे अपने पहुंचेंगे रासायनिक बल गतिकी पर। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है रासायनिक बल गति की, उससे को वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को ये तीन क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। जैसे ए और बी को मिलाया तो अपने पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि ए और बी आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरी बात, अभिक्रिया की मात्रा कि जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद जो बनेगा उसकी मात्रा कितनी होगी। और फिर जो अभिक्रिया हो रही है वो किस वेग से होगी, बहुत फास्ट होगी, स्लो होगी या और ज़्यादा स्लो होगी, है ना। तो देखो, अब इसके अपने आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? फर्स्ट जो है ना, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी, आपका चैप्टर भी था 11th के अंदर ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपने एक वैल्यू देखी थी डेल्टा जी, और इसको बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब पहले क्वेश्चन का आंसर है ये पहला क्वेश्चन, अपने नंबरिंग कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ऊष्मा गति की से मिलेगा अपने को इसका आंसर, और कहाँ से मिलेगा? डेल्टा जी से मिलेगा, और डेल्टा जी को क्या बोलते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा।
अब ये कहता है उष्मा गति की का जो कंसेप्ट है वो ये है कि डेल्टा जी का मान अगर ऋणात्मक आया, माइनस में आया, तो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता है तो अभिक्रिया नहीं होगी, और अगर डेल्टा जी का मान जीरो आ जाए तो जो अभिक्रिया हो रही है वो साम्य अवस्था तक पहुंचगी। कहां तक पहुंचगी? साम्य अवस्था तक। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो अभिक्रिया को अपने को कंप्लीट कराने के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी का मान किस में आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। ये कैसे आएगा इस पर थोड़ी सी अपने डिस्कस करते हैं। हालांकि ये अपने चैप्टर का है नहीं, मतलब ये टॉपिक अपने चैप्टर का नहीं है, पर ये एक और चैप्टर में आएगा, तो उससे पहले कुछ अपने को इसका आइडिया होना चाहिए। और देखो डेल्टा जी का मान माइनस में आएगा, यहाँ पर एक वैल्यू होती है, सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस, टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी। क्या होती है? एंथैल्पी। टी क्या है यहाँ पर? ताप। और डेल्टा एस क्या है यहाँ पर? एंट्रोपी। एस क्या है यहाँ पर? एंट्रोपी। तो देखो अब डेल्टा जी का मान इस समीकरण से क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। तो अपने को क्या करना होगा कि जो टी डी एस टी डेल्टा एस है ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो? कम हो। ये एंथैल्पी परिवर्तन लिख सकते हो आप, डेल्टा का मतलब तो परिवर्तन होता है ना। तो डेल्टा एच का मान ये पॉजिटिव में है, ये तो क्या हो? कम हो। और टी डेल्टा एस इसका मान क्या हो? ज़्यादा हो। तो फिर डेल्टा जी का मान किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। और नेगेटिव में जब आएगा तो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो सिंपल सी बात है, एंट्रोपी क्या होते हैं जानते हो क्या? अगर आप एंट्रोपी के बारे में जानते हो तो ये बहुत ईजी है। एंट्रोपी होती है किसी भी प्रकार के द्रव्य कणों की, द्रव नहीं बोल रहा, द्रव्य कण बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार के द्रव्य कणों की, चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव हो या गैस हो, उसके स्वतंत्र विचरण करने की जो क्षमता होती है उसे एंट्रोपी बोलते हैं। अब अगर मैं एंट्रोपी की बात करता हूं तो यहां पर देखो किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी सबसे कम होगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर जो गैस होता है ना उसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की कुछ कम होती है और सॉलिड की बहुत कम होती है। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, ये डेल्टा एस का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था एंट्रोपी क्या होती है कि किसी भी प्रकार के पदार्थों का स्वतंत्र विचरण करने की जो क्षमता होती है उसे एंट्रोपी बोला जाता है। क्लियर? तो गैस के पदार्थ के जो कण होते हैं, कोई भी गैस है, वो वायुमंडल के अंदर वातावरण में स्वतंत्र विचरण कर सकती है। लिक्विड के जो कण हैं वो जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र में उस टाइप के, एक तो उसका आकार उसके जैसा हो जाएगा और सिर्फ उसी पात्र के अंदर विचरण कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की, तो सॉलिड के कणों का जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत ही कम होता है। सॉलिड के कणों में वाइब्रेशन होता है परंतु अपने इसको सामान्य आंखों से देख नहीं सकते, इसको फील नहीं कर सकते। तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम और लिक्विड की एंट्रोपी थोड़ी सी ज़्यादा और गैस की एंट्रोपी थोड़ी सी और ज़्यादा। तो अब देखो मैंने आपको ये बताया कि अपने को ये वैल्यू जो है ना माइनस टी डी एस, मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर इसी की बात कर रहा हूँ, माइनस टी डेल्टा एस, इसका मान ज़्यादा करना है। इसका मान ज़्यादा करेंगे तो या तो अपने जो अभिक्रिया करा रही हैं वो किस में लें, वो जो पदार्थ है अभिकारक वो किस में लें, गैस में लें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभिकारक जो हों वो हमेशा ही गैस अवस्था में हों। गैस में नहीं होंगे तो किस में होंगे? लिक्विड में। सॉरी लिक्विड में नहीं होंगे तो क्या होंगे? ठोस में। अब मैं बात करता हूँ, ये मैंने एक परखनली ले ली, इस परखनली में मैंने दो ठोस को आपस में मिला दिया, ए प्लस बी को मिला दिया, तो ये आपस में मिल जाएंगे क्या? ये मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मान लिया ये पहला ठोस है
और ये दूसरा ठोस है, इसको आपस में मिला लिया, तो इसके ये जो टच करने वाली जो सतह है ना, जो सरफेस, जो एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, सिर्फ यही मिलेंगे, बाकी इतने सारे कण नहीं मिलेंगे। तो ठोस की एंट्रोपी कम है, तो जो ठोस की अभिक्रिया करने की जो दर होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि दो लिक्विड को आपस में मिलाया, तो उसमें ठोस से ज़्यादा अभिक्रिया की दर, मतलब दोनों ए और बी जो होगा उन दोनों के मिलने की जो दर होगी वो ठोस से और ज़्यादा होगी। और अगर मैं यहाँ पर इस प्रख नली में गैस लेता हूँ, तो गैस के कण क्या होंगे, दो गैसें आपस में एक दूसरे के अंदर मिल सकती है, मतलब अब विलयन वाली बात नहीं करनी, विलयन बनेगा नहीं बनेगा, अपने अब पहुँच के अभिक्रिया पर, ठीक है। तो दो गैसें आपस में अभिक्रिया कर सकती हैं नहीं कर सकती वो बाद की बात है, पर तो एक सोचो, दो गैसों के कण आपस में ज़्यादा टकराएंगे और जितने ज़्यादा टकराएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, अभिक्रिया का वेग होगा। तो या तो ये ले सकते हैं अपने, एंट्रोपी की तो बात होगी ये, मतलब इसका मान ज़्यादा हो गया। और टेम्परेचर, अब बात करते हैं अपने टेम्परेचर की, तो देखो लिक्विड जो लिया अपनों ने, इसको क्या करना है, इस वैल्यू को ज़्यादा करना है, मतलब यहाँ पे डेल्टा जी का मान किस में चाहिए अपने को, माइनस में चाहिए, तो इस वैल्यू को अपने को ज़्यादा करना है। तो या तो अपने एंट्रोपी से कर लें, एंट्रोपी हमेशा सभी पदार्थों की ज़्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें अपने को ठोस पदार्थों को भी आपस में मिलाना पड़ता है, तो ठोस पदार्थों को आपस में जब मिलाना पड़ेगा तो पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल के क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को उसमें द्रव पदार्थ में बदलेंगे, मतलब थोड़ी सी एंट्रोपी बढ़ा ली अपनों ने, फिर क्या करेंगे, अगर अभिक्रिया हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो फिर अपने क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ये क्या है, टेम्परेचर है, टी क्या होता है, टेम्परेचर, तो इसको जब बढ़ाएंगे तो ये जो वैल्यू है सारी, इसका मान क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन से इसका मान क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो डेल्टा जी का मान किस में पहुंच जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक अभी होते ही अभिक्रिया होने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। क्लियर, ये छोटी सी एक सिंपल सा कंसेप्ट था, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, हालांकि ये 11th में आपने पढ़ लिया होगा, पर आपको थोड़ा अपने ये जो है उष्मागति, ये क्वेश्चन जो है ये अपने एक चैप्टर में दोबारा से फिर आने वाला है, उसमें अपने वहाँ पे दोबारा से फिर डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को कि उष्मागति की, मतलब डेल्टा जी का मान किस में आना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। अगर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया होने की संभावना है, अगर नहीं है तो अभिक्रिया होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई कितने पदार्थ जो है ना वो, या आंसर लिखते हैं अपने सेकंड का, सेकंड क्या है, अभिक्रिया की मात्रा, दो अभिकारक जो अपनों ने मिलाए हैं आपस में ए और बी, उसकी कितनी मात्रा उत्पाद में बदलेगी, ये निर्भर करता है साम्य अवस्था पर। इस पे अपने ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, अपने काम का नहीं है, सिर्फ अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस है क्या, साम्य अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, इक्विलिब्रियम 11th के अंदर, तो वहाँ से अपने को पता चलेगा कि बनने वाले उत्पाद की मात्रा कितनी होगी। और अब बात करते हैं अपने लास्ट और थर्ड पॉइंट की, किस वेग से होगी अभिक्रिया, किस वेग से होगी, इसका पता करने के लिए अपने को चाहिए रासायनिक बल गति की। क्या चाहिए, इसको पता करने के लिए अपने को चाहिए रासायनिक बल गति की। तो देखो रासायनिक बल गति की यहाँ पे शब्द आ गया, मतलब अपने चैप्टर पर पहुँच चुके हैं। क्लियर, तो इसमें अपने किसका अध्ययन करेंगे, जो भी अभिक्रिया है वो किस वेग से होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो रासायनिक बल गति की है उसको इंग्लिश वर्ड लिखता हूँ मैं, केमिकल काइनेटिक्स। ये जो काइनेटिक्स सब वर्ड है ना, ये बना है काइनेसिस से, किससे बना है, काइनेसिस से, और काइनेसिस का मतलब होता है वेग, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, वेग होता है। ये छोटा सा जो भी कंसेप्ट है ध्यान रखना है, केमिकल काइनेटिक्स वर्ड कहाँ से आया, काइनेसिस से, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, वेग होता है। अब देखो आगे बात करते हैं अपने कि केमिकल काइनेटिक्स में अपने क्या देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर अभी मैंने आपको ये बताया कि केमिकल काइनेटिक्स में अपने अभिक्रिया का वेग अध्ययन करते हैं, और क्या करेंगे, देखो दो तीन पॉइंट लिखने जा रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट, अभिक्रिया का वेग,
सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? जैसे ताप, ताप को कम या ज्यादा करेंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा घटेगा कैसे होगा वो अपने देखेंगे अभिक्रियाओं में। दाब, कुछ अभिक्रियाओं के लिए अपने को दाब की भी आवश्यकता पड़ती है। आपने कुछ अभिक्रियाएं देखी होंगी जिसमें प्रेशर लगाया था, अगर याद है तो आपने ऑर्गेनिक का एक चैप्टर कर चुके हो आप लोग। उसके बाद बात करते हैं अपने उत्प्रेरक। कुछ अभिक्रियाओं को जो उत्पाद में, अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए अपने को उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है। और फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं अपने क्रियाविधि, किसकी, अभिक्रिया की। तो इन तीन पॉइंटों का अपने स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके अंदर, रासायनिक बल गतिकी के अंदर। अगर मैं बल गतिकी की परिभाषा लिखूं, किसकी, रासायनिक बल गतिकी की अगर मैं परिभाषा लिखता हूं तो क्या होगी, रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा होगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ये तीनों पॉइंट लिख दो, क्या, अभिक्रिया का वेग कौमा वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौमा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी अध्ययन करते हैं वो कहलाती है रासायनिक बल गतिकी। दोबारा से देखते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। क्लियर, ये होगी इसकी परिभाषा। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अभिक्रिया का वेग। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, डरना मत, घबराना मत, कुछ साथ साथ पढ़ते रहना, और अगर साथ साथ पढ़ते रहोगे तो टॉपिक बहुत इजी है, बहुत क्लियर है। बस बात ये है कि आपको समझ में आता है या समझ नहीं आता वो आप पर डिपेंड है। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप ये सोचना जरूर कि क्यों नहीं आता, उसका अच्छे सा रीजन सोचना कि क्यों नहीं आता समझ में। देखो, बात करता हूँ मैं अभिक्रिया के वेग की। अभिक्रिया का वेग जो है उसको सॉरी अगर मैं सूत्र लिखूं तो ये होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो अभिक्रिया का वेग क्या हुआ, किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता में जो परिवर्तन की जो दर होती है, जो समय अपने नीचे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, दर। क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता के में परिवर्तन की जो दर होती है उसको क्या बोला जाता है, अभिक्रिया का वेग बोला जाता है। अब सांद्रता को यहाँ पर, सांद्रता में जो परिवर्तन है उसको मैं डेल्टा सी से लिख सकता हूँ, और परिवर्तन में जो लगा समय है उसको मैं डेल्टा टी से लिख सकता हूँ, डेल्टा सी और डेल्टा टी। अब यहाँ पर दोनों के साथ में मैं निशान लगाऊंगा प्लस और माइनस के दोनों निशान लगाऊंगा। ये क्या है, क्यों है, अभी बताता हूँ, आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये तो था अभिक्रिया का वेग। अगर मैं बात करूँ औसत वेग की, किसकी बात करूँ, औसत वेग की। औसत वेग का मतलब क्या है, देखो औसत वेग का मतलब ये है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लिया आपने यहाँ से दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली, 300 किलोमीटर है वो, कितनी दूर है, मान लिया 300 किलोमीटर है। आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपने सबसे पहले जब चले तो गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है।
फिर आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी 120 किलोमीटर पर आवर कर दी, फिर आपने इसकी स्पीड कम कर दी 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो अब ये जो वेग जो है ना, ये इसका औसत जो होगा पूरी रास्ते में जो लगने वाला समय होगा उस पर निर्भर करता है कि अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो 300 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगेंगे, 120 से जा रहे हो तो थोड़ा सा कम लगेगा, 180 से जा रहे हो तो थोड़ा सा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब आप ये सोचो कि भाई अगर इसका आपने औसत निकालते हैं, तो इसका औसत कितना आएगा, औसत क्या होता है, औसत आएगा इसका जैसे 100 प्लस 120 प्लस 80 बट्टा में 3, ये आएगा 100। तो आपने स्पीड कम भी की, स्पीड बढ़ाई भी, एक लिमिट स्पीड में भी चले, तो आपको कितने घंटे में पहुंचोगे आप, 3 घंटे में। औसत कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो आपको 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे। तो ये एक टाइप का औसत है। इसी प्रकार जब अपने अभिकारकों को मिलाते हैं, ए प्लस बी को मिलाएंगे, तो उनको सी प्लस डी में बदलने का जो औसत समय होगा, या औसत समय उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन का जो समय होगा औसत, उसे अपने क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। और देखते हैं इसको आगे, डिटेल स्टडी करते हैं इसकी कि औसत वेग क्या हो सकता है। औसत वेग को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी समीकरण बता रहा हूँ, सिंपल सी, क्या हो सकता है। देखो, अपने जब इस चैप्टर में औसत वेग का स्टडी अध्ययन करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये कोई रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में, मतलब कोई अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कुछ समय बाद उत्पाद है वो भी किस में बदलने लग जाएगा, अभिकारक में बदलने लग जाएगा। सपोज करो यहाँ पर इसके 10 मोल हैं, कितने मोल हैं, माना स्टार्टिंग प्रारंभिक अवस्था में इसके 10 मोल हैं, और जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो इसके 0 मोल हैं। कुछ समय बाद इसके कितने हो गए, 9 मोल हो गए, और 1 मोल किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया। कुछ समय बाद इसके कितने मोल हो गए, 8 मोल हो गए, और कितने बदल गए, 2 मोल उत्पाद में बदल गए। थोड़ी देर बाद 7, 3, 6, 4। अब क्या है, मानना कि यहाँ पर साम्य अवस्था आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि देखो, ये जैसे जैसे कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 5 मोल अभिकारक के शेष रह गए, और बाकी के बचे हुए 5 वो किस में बदल गए, उत्पाद में बदल गए। तो इनकी सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर ये पता चल गया। अब इस समय क्या होता है कि जो 5 कण या 5 मोल उत्पाद में बदले हैं, तो अभिक्रिया कौन सी है, उत्क्रमणीय है, ये वापस किस में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो उत्पाद है वो वापस किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, अभिकारक में। तो आपने ये माना कि यहाँ पर क्या हुआ कि 6 और 4 हो गए, तो एक बार जिसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसके कुछ कण या इसके 1 मोल मान लिया वापस इसमें बदल गया, इसका 1 मोल वापस इसमें बदला, तो ये कितने हो गए, 6, और ये कितने हो गए, 4, फिर ये 1 इधर वापस बदल गया। तो अब साम्य अवस्था पर जो अभिक्रिया है ना, वो पूर्ण होगी, अभिक्रिया क्या होगी, पूर्ण होगी, कब, साम्य अवस्था पर। तो देखो, औसत वेग क्या होता है, वेग का सूत्र मैंने ये लिखा, औसत वेग का सूत्र भी यही होगा, क्या लिखेंगे अपने, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, और इसके लगाया था मैंने प्लस और माइनस, सी है यहाँ पर सांद्रता, सी क्या है, सांद्रता। अब मैं अगर इस सांद्रता को उत्पाद, सॉरी अभिकारक और उत्पाद के हिसाब से बताऊँ, तब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, यहाँ पे जो निशान लगेगा वो लगेगा प्लस का, और यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है, और इसके हिसाब से लिखूँ मैं तो डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, और इसके निशान लगेगा माइनस के। बस आपने यही बात ध्यान रखनी है, और यही औसत वेग होता है। क्या होता है देखो, अब अपने डिस्कस करते हैं, बात को आगे लेके जाते हैं। देखो, इसकी बात करते हैं अपने,
स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था 10 कण हैं, फिर 9 हो गए, फिर ये R दोबारा से लिख रहा हूँ मैं अभिक्रिया P, इसका 0 था, फिर 1 2 ये 7 थे, फिर ये 3 हो गए, ऐसे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो साइन दिखाई दे रहे हैं प्लस और माइनस के, इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये तो जो उत्पाद का जो औसत वेग होता है वो धनात्मक होता है और अभिकारक का जो औसत वेग होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो उत्पाद का वेग है वो तो बढ़ रहा है और अभिकारक का वेग है वो कम हो रहा है। तो साइन का ध्यान रखना, प्लस का मतलब तो ये है कि जो उत्पाद की सांद्रता है वो बढ़ रही है, और माइनस का मतलब है कि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब अपने अभिकारक के लिए औसत वेग की गणना करेंगे तब उसके सामने निशान लगाएंगे किसका, माइनस का, और जब अपने उत्पाद के लिए औसत वेग की गणना करेंगे तब उसके सामने निशान क्या लगाएंगे, अपने प्लस का। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसको, उत्पाद को, डेल्टा पी क्या होता है, पी टू माइनस पी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और जब मैंने उत्पाद लिखा तो उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस प्लस और माइनस को आप ये मत समझना कि इसमें प्लस लग गया तो इसका तो वेग ज़्यादा है, इसमें प्लस लग गया तो इसका वेग कम है। तो प्लस और माइनस के जो साइन हैं वो अपने को क्यों क्या शो करेंगे, यहाँ पर वो शो करेंगे कि उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके लिए निशान किसका लगाएंगे, माइनस क्या लिखेंगे अपने, आर टू माइनस आर वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, क्लियर, आर टू माइनस आर वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, ये अपने लिख दिया। अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ समय और सांद्रता में, तब वो ग्राफ कौन सा होगा, कैसे होगा, वो ग्राफ ये होगा, देखो ये मैंने ग्राफ बनाया, इधर लिया मैंने समय, इधर ली सांद्रता, और इधर मैंने क्या लिया, समय लिया। तो यहां पर जीरो है, यहां पे क्या है, जीरो, और यहां पर क्या है, मैक्सिमम मान ले। तो सांद्रता सबसे प्रारंभिक अवस्था में ये सांद्रता है, मोलों की संख्या मान लिया सांद्रता है, तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक अवस्था में 10 है मान लिया, यहाँ पर इसको अगर अपने पॉइंट में लिखना चाहें ये कितने हैं, 10 है, ठीक है, ये काउंट नहीं किया मैंने, ऐसे ही बना दिया, कितने हैं, 10 हैं। तो समय के साथ साथ इसकी सांद्रता में आ रही है कमी, इसकी सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इस ग्राफ को आप यहाँ पर जीरो पे नहीं मिलाओगे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मिलाओगे इस लाइन के साथ, यहाँ पर इसको नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाना, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 6 और 4 तो इसकी सांद्रता जीरो तो हुई नहीं, सांद्रता जीरो नहीं हुई ना, परंतु पहले से क्या होगी, कम हो गई, ये एग्जाम्पल लिया था। तो जब साम्य अवस्था आ जाएगी तो उसकी सांद्रता में कमी तो नहीं होगी, परंतु उसमें क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी साम्य अवस्था पर, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में ये था जीरो, तो जीरो उत्पाद की सांद्रता, जब अभिकारक की सांद्रता 10 है तो उत्पाद की सांद्रता कितनी है, जीरो, और जैसे जैसे इसकी सांद्रता कम हो रही है वैसे वैसे इसकी सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ आएगा सांद्रता और समय के बीच में, एक ग्राफ बनाया है अपनों ने, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ कौन से ग्राफ की, सांद्रता और सॉरी, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊँ या इसके लिए ग्राफ बनाऊँ तब कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाते हैं अपने, यहाँ पर यहीं बनाएंगे, देखो चलो यहाँ बनाते हैं इसका ग्राफ। ये लिया मैंने सांद्रता और ये लिया मैंने समय, ये क्या है, उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर समय T1 है, T1 पर सांद्रता है, अपने इसके उत्पाद लिया है तो P1 मान लेते हैं, और उसके बाद क्या हो गया, T2 समय पर इसकी सांद्रता कितनी है, P2, क्लियर। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ कि उत्पाद के लिए सिर्फ उत्पाद का ग्राफ बनाऊंगा तो ये आएगा, और ये क्या हो गया, P2 माइनस P1 बटा में T2 माइनस T1। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ तब ग्राफ जो है ना वो ये बनेगा, क्या बनेगा, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में क्या है, ज़्यादा, और ज़्यादा हो और वो किस समय के साथ साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मैं लिया मैंने T1 समय पर सांद्रता,
आर वन। आर इसलिए लिया है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को आर से शो करते हैं, ठीक है। और टी टू समय पर जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, आर टू। क्लियर? तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, आर टू माइनस आर वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। क्लियर? अब अपने बात करते हैं आगे, नेक्स्ट आगे वाला जो औसत वेग के बाद का जो टॉपिक है वो रहेगा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, देखो तात्क्षणिक वेग से पहले अपने क्या करते हैं, ये जो प्लस और माइनस है इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ग्राफ से देखो, देखो ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ग्राफ में मैंने ये लिखा है। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखते हो, पहले बात करता हूँ मैं इसकी, देखो इसका ग्राफ ये है। अगर मैं यहाँ से जीरो से लेकर चलूँ तो ये जो P2 वैल्यू है वो ज़्यादा है और P1 क्या है, कम है। तो P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो P2 की वैल्यू जब ज़्यादा है और P1 की वैल्यू कम है, अगर यहाँ पर अपने पास कोई वैल्यू दी हो, जैसे मान लिया ये है 7 और ये है 5, तो 7 माइनस 5 अगर अपने लिखेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर अपनों ने जो निशान किसका लगाया है, पॉजिटिव का। अगर इस ग्राफ से देखते हो आप तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है 5। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो मैंने ये लिखा हुआ है, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन लिखा हुआ है। आर टू की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 7 और अपॉन में, अपॉन की एक बार जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ आप सांद्रता से बात करते हैं अपने, क्योंकि ये सिर्फ सांद्रता के लिए है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि प्लस और माइनस जो निशान है वो सांद्रता में कमी और सांद्रता में वृद्धि के लिए है। तो देखो यहाँ पर सांद्रता में कमी हो रही है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालूँ तो आंसर क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। तो देखो आंसर क्या आ रहा है वो मतलब नहीं है अपने को, सिर्फ ये ध्यान रखना कि प्लस क्यों आया और माइनस क्यों आया। तो जो प्लस और माइनस की जो बात है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद बात करता हूँ मैं तात्क्षणिक वेग की। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है तात्क्षणिक, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप, ये अच्छे से आता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अपने कैसे पढ़ेंगे, तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी एक क्षण विशेष पर, किसी एक क्षण विशेष पर जो वेग होगा उसको क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। देखो तात्क्षणिक वेग किसी एक क्षण विशेष पर सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में जो लगा समय है उसको हमने किससे दर्शाते हैं, तात्क्षणिक वेग से। अगर मैं ये लिखूं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी और इसकी लिमिट लगा दूं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब जो समय में जो परिवर्तन है ना वो जीरो के बराबर है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, समय में परिवर्तन क्या है, जीरो है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ से दिल्ली जा रहे हो 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आपने जाना है, आपके आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपके साथ में आपका कोई फ्रेंड भी बैठा हुआ है और आप चल रहे हो 100 किलोमीटर, या आप चल रहे हो मान लिया आपने 140 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, मतलब गाड़ी की स्पीड कितनी है 140। तो वो जो फ्रेंड है ना उसने स्पीडोमीटर की तरफ देखा एकदम से और देखते ही वो क्या बोलेगा कि इतनी तेज चल रही है गाड़ी उस क्षण पर, मतलब जब उसने देखा ना उस क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग होता है या उस क्षण पर जो गाड़ी का वेग था उसे तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। मतलब अपने को किसी एक पॉइंट पर अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको ये पता है कि यहाँ पर अगर मैं डेल्टा लिखता हूँ ये भी अंतर होता है और अगर मैं डी लिखूँ ये भी, दोनों ये क्या होते हैं, अंतर होते हैं। डेल्टा जो होता है वो जो अंतर होता है वो बड़ा होता है किससे, डी से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस डी सी अपॉन में डी टी। तो डी सी का मतलब कि सांद्रता में परिवर्तन किसी एक क्षण पर बहुत ही कम हुआ और जो समय में परिवर्तन है वो तो अपने बता दिया कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो। पर ये इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि जो अभिक्रियाएं होती हैं ना, अगर अपनी बात करें अभिक्रियाओं के वेग की, तो जो फास्ट अभिक्रियाएं, जो अम्लक्षार अभिक्रियाओं की बात करते हैं अपने, कौन सी अम्लक्षार अभिक्रियाओं की, उसका वेग अगर आप सोचो ना, उसका वेग होता है 10^-12 से 10^-16 सेकंड तक। तो ये देखो ये तो वेग है ही नहीं, सेकंड का भी इतना कम हिस्सा, ठीक है। तो 10^-12 से 10^-16 सेकंड में अम्लक्षार अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो उस इस अभिक्रिया के लिए अगर तात्क्षणिक वेग काउंट करें तो उसमें डेल्टा तो आएगा ही नहीं, है ना। तो देखो अगर मैं डेल्टा तात्क्षणिक वेग के लिए
अगर मैं ग्राफ शो करता हूँ तो वो क्या होगा? देखो, तात्क्षणिक वेग के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो वो ये होगा, अपने ग्राफ बनाते हैं सांद्रता व समय के बीच, किसके बीच में? सांद्रता व समय के बीच में। और ये अभिकारक के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? अभिकारक के लिए। किसी एक समय पर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि किसी एक समय पर आपके दोस्त ने आपको ये बताया कि गाड़ी 140 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो वो एक समय था, उस पर सांद्रता कैलकुलेट करनी है अपने ने। उस पर सांद्रता कैलकुलेट मतलब इस पॉइंट पर ये जो अभिक्रिया जो जा रही थी, इस पॉइंट पर अगर अपने अभिक्रिया का वेग काउंट करते हैं तो आपको यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी। क्या खींचनी होगी? स्पर्श रेखा। ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन गया। तो इसमें ये जो वैल्यू है, इसको निकालने के लिए मेरे को चाहिए लंब और आधार का फॉर्मूला। अगर मैं लंब बट्टा आधार लिखूँ, वो किसका फॉर्मूला होगा? टेन थीटा का। ये आप जानते हो अच्छे से, किसका फॉर्मूला होगा? टेन थीटा का। तो लंब क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ ए अपॉन में ओ बी। तो यहाँ पर इसका वेग अपने ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओ ए अपॉन में ओ बी। किसी एक क्षण पर, क्षण का मतलब इस पॉइंट पर अगर अपने को वेग कैलकुलेट करना होगा, फिर अपने इसका वेग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और ये इसकी होती है ढाल। क्या होती है? जो ग्राफ है उसकी ढाल होती है। टेन थीटा को क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। लंब बटा आधार, ये लंब है और ये है आधार। आज का टॉपिक अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।